टू द गुड एक्सपीरियंस। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के रानी महल में और हम आज इसके अंदर जा रहे हैं और देखेंगे कैसा खंडहर जगह है। तो यहाँ पर हम बहुत करीब आ चुके हैं रानी महल के और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी दीवार अभी भी बहुत मजबूत है। यहाँ हम रोड से काफ़ी दूर आ चुके हैं और वहाँ एक कुआं भी है। ये आप देख सकते हैं रानी महल को, वहाँ पर है कुआं। हाँ, अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि रानी महल अंदर फिट क्या है। पर जैसे आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा जाएंगे। यहाँ पूरा बहुत अंधेरा है, हमें ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हम चल रहे हैं। यहाँ हम एक और रूम में आ चुके हैं और यहाँ का भी दीवार हालत वैसे ही है और फिर से दूसरे रूम में एंटर कर लिया। यहाँ पर एक बाहर जाने का रास्ता है जंगल से, देख सकते हैं। देखिए वहाँ छत है, इसके बाद हम छत में जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये बाहर जाने का रास्ता है पीछे से और यहाँ जंगल हुआ करता था पहले। इस महल को देख के लगता है कि पहले यहाँ बहुत जंगल हुआ करता था और इस सिटी में थोड़ा कम बंद कर दिया गया है। तो ये बहुत अंधेरा है, यहाँ हम जा रहे हैं इस सुरंग, आप देख सकते हैं आपको दिखाई नहीं देगा, दीवार आ गया यहाँ पर। तो अब हम ऊपर ही जाएंगे, चलिए चलते हैं ऊपर। ये अंधेरा है यहाँ पर, यहाँ लोगों ने आके कचड़ा कर दिया है, बहुत सारी वेस्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कचड़े। वो हम ऊपर जाएंगे। तो ये हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में है और यहाँ से खिड़की आप देख सकते हैं। हम और ऊपर जाएंगे, तो चलिए छत पर है एक रूम जहाँ हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो ये रहा रूम, यहाँ बहुत ही फ्रेश है। हमने अब हम टेरेस पर जाएंगे। के कोने में जाएंगे पर उससे पहले यहाँ हमें कुछ दिखा जिसके तरफ हम आपको दिखाएंगे। यहाँ लोगों ने आकर इस दीवार, इस प्राचीन महल के दीवारों पर अपनी कलाकारी दिखा दी है, उन्होंने क्या क्या लिख दिया है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको लेके जाएंगे हम छत के कोने। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा गीला है क्योंकि कुछ ही दिन पहले बारिश हुआ था और देख सकते हैं आप यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ गिरने का खतरा है और मेन रोड से थोड़ा सा ही दूर है। यहाँ ऊपर का हालत